एक्चुअली क्या होता है, हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी होती है। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म में हमारे पास एक सीक्वेंस दिया होगा जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है, तभी वो डिक्रीज होते होते माइनस में चला जाएगा। तो आपसे पूछता है कि व्हिच टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, अब मुझे सीक्वेंस बताओ क्या दिया हुआ है। 20, 19 is to 1 by 4, 18 is to 1 by 2, and so on. बस छोड़ दीजिए, उसकी जरूरत नहीं। तो ये हमारे पास मान लीजिए एक एपी है, आपसे कह रहा है फर्स्ट नेगेटिव टर्म। यस, क्योंकि डिक्रीज होते होते ये माइनस में चला जाएगा, तो माइनस में जाने के बाद जो पहली टर्म आएगी वो बताओ। तो दो चीजें हो सकती हैं, टर्म भी पूछ सकता है और पोजीशन भी पूछ सकता है। विच टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, कि भाई 20th टर्म नेगेटिव होगी या 25th टर्म होगी। विच टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ऑल्सो फाइंड द टर्म, दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है कि नहीं मुझे तो ये भी बताओ कि लास्ट में माइनस थ्री आएगा या माइनस फाइव, कौन सा टर्म नेगेटिव होगा। तो ये दो चीजें हैं। तो खैर होता क्या है इसमें, सबसे पहले तो क्वेश्चन में यही करो कि भाई ए कितना है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका 20 है, डिफरेंस देखो कितना है, डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, 91 बाई 4 एंड 20 माइनस करोगे तो कितना डिफरेंस आएगा जी, 3/4 आएगा, और वो भी माइनस में। भाई सीधी सी बात है, 1/4 और 1 तो 3/4 आएगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, 20 तो आपके पास है ही, 19 4 कितना हो जाएगा 76, 77, 77 बाई 4, इसमें से इसको माइनस करो तो ये हो जाएगा 77 माइनस 80 बाई 4, तो कितना आएगा डिफरेंस, माइनस 3/4। अब होता क्या है, आपसे कह रहा है विच टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो हम यहाँ सपोज करते हैं कि भाई जब भी आपसे विच टर्म कहेगा कि nth टर्म, लेकिन nth टर्म की वैल्यू नहीं दी हुई है। अक्सर क्वेश्चन में होता है कि विच टर्म इज 300, विच टर्म इज 25, विच टर्म इज 70, तो वैल्यू दी होती है, यहाँ वैल्यू ही नहीं पता, ना तो टर्म पता ना पोजिशन पता, दोनों ही चीजें नहीं है, बस इतना पता है कि वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव कौन सी टर्म होती है, किसे कहते हो नेगेटिव, लेस देन जीरो, यस नेगेटिव कहते हैं लेस देन जीरो। तो इस जीरो से ही हम सॉल्व करेंगे, तो इसका मतलब ए एन शुड बी लेस देन जीरो। अब ए एन का फॉर्मूला लिखो, ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी जीरो। अब ए की वैल्यू रखो, ए हमारे पास है 20, एन आपको फाइंड करना है, डी आपने निकाल लिया है माइनस 3/4 इज लेस देन जीरो, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई कैसे करोगे, एन माइनस, ठीक है, 4 एलसीएम ले लो, माइनस 3n प्लस 3 अपॉन 4, सही है, ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस 3n हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, yes. ठीक है। अब 4 को इधर ले जाओ तो 4 इधर जाके 0 हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 83 माइनस 3n इज लेस देन 0, तो 3n को उधर ले जाओ तो 3 2 जा तो हमारे पास आ जाएगा 83/3 इज लेस देन n, सॉरी 3, तो 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया आपके पास 23, 3 7 जा 21, 3 6 18, तो 27.6 लेस देन n, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि n शुड बी मोर देन 27.6, ये वाली बात समझ में आ गई या नहीं आ गई ये बताओ पहले, तो n 27.6 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब n होता है इंटीजर, पोजीशन है ये, डेसिमल में नहीं होता, तो कौन सा इंटीजर होगा जो 27.6 से बड़ा होता है जी, 28, यही हमारा आंसर। तो 28th टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, सर इन्होंने ये क्यों लिखा था, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 28,
इक्वल नहीं हो सकता बेटे, इक्वल नहीं हो सकता, इक्वल कर दी तो जीरो हो गया, जीरो हो जाएगा तो वो नेगेटिव नहीं होगा। तो हमने हमारा आंसर क्या आया है, हमारा आंसर आया है n मोर देन 27.6, तो 27.6 से बड़ा इंटीजर कौन होगा? नेक्स्ट बताओ। 28 होगा तो फिर सर इन्होंने n ग्रेटर देन और इक्वल टू भी करा है, हमने तो सीधा n इक्वल टू कर दिया। कहां लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू? सर सॉल्यूशन में लिखा है, उन्होंने उस सॉल्यूशन को गोली मारी है। एक्चुअली वो सॉल्यूशन ये कहना चाह रहे हैं कि इससे सारी बड़ी वैल्यू नेगेटिव टर्म्स आएंगी। अब 28 के बाद जितनी भी टर्म्स आएंगी वो सारी नेगेटिव टर्म्स होंगी। हम यहाँ क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म 28 है और बाकी सारी टर्म्स 28, 29, 30 जितनी भी टर्म्स होंगी वो सारी नेगेटिव होंगी। तो अगर वहाँ क्वेश्चन में मैं देखो आंसर में क्या मेंशन किया है, हो सकता है उसने ये कहा कि ऑल नेगेटिव टर्म्स 28 और मोर देन 28 जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। वो लैंग्वेज पे मेंशन करेगा ना बेटा लैंग्वेज क्या कह रहा है। यस ठीक है, ये चीज हमारे पास है। अब इसमें इसमें एक चीज ध्यान रखना, जब हम ये इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है अब देख लो, जिसमें सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है और वो सारे चीजें सीखते नहीं है क्योंकि ये टेंथ का पार्ट नहीं होता। हमने जो सबसे पहली वाली लाइन लिखी थी, ये वाली जो लाइन हमने लिखी थी, ये वाली, यहाँ सब बच्चों को प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि हमने लिख दिया 20 + (n-1)(-3/4) < 0। ठीक है जी, हो सकता है हम 20 को इधर ले जाएं। ट्वेंटी इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है? ट्वेंटी इधर जाके हो जाएगा माइनस। अगर 20 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो हमारे जहन में आता है कि भाई माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए क्योंकि इधर भी मल्टीप्लाई में, इधर भी मल्टीप्लाई। तो ब्रैकेट के अंदर है ना, तो ब्रैकेट के अंदर उससे क्या फर्क पड़ रहा है, आप लिख लो ब्रैकेट से बाहर -3/4 (n-1)(-20), उससे क्या फर्क पड़ रहा है सर? यू मल्टीप्लाई भी नहीं हुआ है जी, कर सकते हैं अभी तो, मल्टीप्लाई भी नहीं हुआ सर, मल्टीप्लाई करने के n by 1 से मल्टीप्लाई कर लो जैद, इतना कहां वो परेशान हो रहे हो, सीक्वेंस है ये तो, सीक्वेंस आप पहले कर लो बाद में कर लो, उससे कौन सी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। आप चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपने कर दिया कि भाई हमने ये हो गया -3/4 n और -3/4, ठीक है जी, और ये हम ले गए इधर -20। अब सही है या आप भी गलत हैं? सही है, सब कैंसिल हो जाएगा। क्या कैंसिल हो जाएगा, अब क्या करूं? माइनस कैसे हो जाए, बीच में प्लस आ रहा है तो पहले मैं प्लस करूंगा या माइनस कैंसिल कर दूं? माइनस तो तब कैंसिल होता जब उधर भी सिंगल टर्म होती, इधर भी सिंगल टर्म होती प्रोडक्ट में। तो अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा 3/4 हम उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा -20 and -3/4, तो -3/4 n ये हो जाएगा 4, 80, 83, ये हमारे पास होगी। यहाँ तक ठीक है? Yes. अब यहीं पे गड़बड़ होगी कि हम क्या करेंगे, हम इस माइनस को माइनस से कैंसिल कर देंगे। अगर माइनस को माइनस से कैंसिल करेंगे, 4 को 4 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा, ध्यान से देख लो, n is less than 83/3। 83/3 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 27.6। अब आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है कि n 27.6 से छोटा होना चाहिए। n क्या होना चाहिए? 27.6 से छोटा। छोटा। अब 27.6 से छोटा क्या होगा? अबे 27.6 से छोटा क्या होगा? बताएंगे आप? 26। अरे 27 ही होगा ना। अच्छा 27। तो पहले आंसर 28 आ रहा था, अब 27 आ रहा, ऐसा क्यों हुआ? ये गलती होती है बस सबसे। ठीक है सर, तो इस गलती का ध्यान रखना है। गलती क्या होती है ध्यान से देख लीजिए। एक्चुअली हमने क्या किया, हमने ये वाला टर्म जो लिया बेटे, ये वाला टर्म, दोनों तरफ जब भी हम माइनस, दोनों तरफ या एक तरफ,
जब भी हम माइनस कैंसिल करेंगे, ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन होती है लेस देन मोर देन, इसको रिवर्स कर देते हैं। जैसे ही आपने माइनस कैंसिल किया था, आपको ऐसे कर देना था कि 3n इज मोर देन 83, तब ये आंसर सही आता। तो अब इस चीज को समझ लीजिए और ध्यान रखना। ध्यान क्या रखना कि समटाइम हो सकता है लास्ट में आपके पास आए माइनस एन इज मोर देन 5, इस माइनस को आपको उधर ले जाना है। तो जैसे ही आप माइनस उधर ले जाओगे तो आपको लेस देन करना पड़ेगा, ये रूल है। अगर आपके पास ऐसे है माइनस एन इज मोर देन माइनस 5, माइनस को दोनों तरफ से कैंसिल करना है, लेकिन जैसे ही आप माइनस को कैंसिल करोगे तो आपको लेस देन करना पड़ेगा। अगर अगर रूल है, अगर अगर सिर्फ माइनस नंबर के साथ है तब हमें कुछ करना ही नहीं है। तो वेरिएबल से जब भी माइनस हटाओगे इन इक्वालिटीज में, तो आपको डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, होता क्या है, होता ये है जैद मियां, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई माइनस 3 जो है वो बड़ा होता है माइनस 4 से, ये बात सही है या नहीं? हाँ जी, माइनस 3 इज मोर देन माइनस 4, यस और नो? यस। अब आपने माइनस हटा दिया दोनों साइड से, और माइनस हटाने के बाद आपने डायरेक्शन चेंज नहीं किया, तो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत है। 3 इज मोर देन 4, तो ये सही है गलत है? गलत है। अब समझ में आ गया? तो जैसे ही आपने माइनस हटाना था आपको डायरेक्शन चेंज करना था, तो डायरेक्शन क्या चेंज करना है आपको? अब समझ में आ गया? तो जब भी आपके पास इसमें आएगा और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा जहां पे हम ये इनइक्वालिटी वाली बात यूज करेंगे, तो वहां दोनों जगह बिते आपको इस चीज का ध्यान रखना। तो ये था आपका नेगेटिव। और कोई डाउट? नो सर। गुड।